हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जो कि डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा गया है इफ फोर्स वेलोसिटी एंड एरिया इज कंसीडर्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। और ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। हमें पता है कि जो यंग्स मॉडुलस होता है उसको हम लोग लिखते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लिखते हैं। तो जैसे ये मान लेते हैं स्ट्रेस हो गया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो डेल्टा एल बाई एल इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, एफ बाई ए का डायमेंशन होता है, ठीक है। तो ये जो यंग्स मॉडुलस है ये डिपेंड करता है फोर्स पर, वेलोसिटी पर और एरिया पर। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं एफ पावर ए वी पावर बी और ए पावर सी, कुछ इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं, तभी हम लोग पावर्स जो है ए बी और सी यानी कि जो डायमेंशन है उनको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दोनों साइड्स में डायमेंशन लिखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट साइड में एफ है, तो एफ को जो डायमेंशन होता है वो लिखा जाता है एफ एल टी माइनस टू। ये एरिया है, एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर। ये डेल्टा एल वाई एल जो है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। इधर एफ जो है उसको लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू पावर ए, वी होता है एल टी माइनस वन पावर बी हो गया, और एरिया को लिख सकते हैं एल स्क्वायर इसका पावर सी हो गया, है ना। तो दोनों तरफ जो है एक्यूमुलेट करते हैं, है ना, जो पावर से उनको। तो यहाँ पर देखेंगे एम का पावर वन आएगा, एल का पावर माइनस वन आएगा और टी का पावर माइनस टू आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आएगा एम पावर ए, एल का पावर आएगा ए प्लस बी प्लस टू सी, है ना, ये हो जाएगा एल का पावर। और जो टी है टी का पावर आएगा माइनस टू ए माइनस बी, ठीक। तो अब दोनों साइड में हम लोग पावर्स को कंपेयर करते हैं, तो देखेंगे एम का पावर इधर ए है और इधर वन है, यानी ए का जो वैल्यू है वो हो गया वन, ठीक। उसी तरह से टी का पावर जो है इधर माइनस टू है और इधर है माइनस टू ए माइनस बी, माइनस टू ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, यानी टू ए प्लस बी इज इक्वल टू टू। ए का वैल्यू रख देंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा वन प्लस बी इज इक्वल टू टू। तो यहाँ से देखेंगे बी का जो वैल्यू है वो जीरो आ गया, ठीक। अब तीसरा इक्वेशन बनाते हैं, देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एल का पावर है माइनस वन और राइट हैंड साइड में एल का पावर इतना है, दोनों को हम लोग इक्वेट कर देते हैं, है ना। तो इक्वेट करने से एक इक्वेशन आएगा ए प्लस बी प्लस टू सी इज इक्वल टू माइनस वन। ए का वैल्यू हमने फाइंड किया है वो आया है वन, बी का वैल्यू हमने फाइंड किया है वो आया है जीरो, तो 2c इज इक्वल टू माइनस वन, यानी c का वैल्यू हो गया माइनस वन बाई टू, है ना, ये हो गया। तो इससे ये एक रिलेशन निकलता है कि जो यंग्स मॉडुलस है उसको हम लिख सकते हैं f पावर a, a का वैल्यू आया है 1, b का पावर 0 यानी कि v का पावर 0, और ये जो एरिया है, तो एरिया का पावर ये आ गया, यहां से हम लोग लिख सकते हैं तो यहां पर देखें, यहां पर जो है अगर इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे तो ये वन हो जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, तो सी का जो वैल्यू है वो माइनस वन बाय टू नहीं आकर के ये हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। एक्चुअली में क्या है ये हो जाएगा 2c इज इक्वल टू माइनस टू, यानी c इज इक्वल टू माइनस वन।
तो सी का वैल्यू -1 होने का मतलब है कि एरिया का पावर जो है वो -1 आ गया। तो ये एक्चुअली में जो है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला देखते हैं कौन सा ऑप्शन में सही दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे जो पहला ऑप्शन है इसमें ऐसा ही दिया, एफ का पावर 1 दिया गया है, वी का पावर 0 दिया गया है और ए का पावर -1 दिया गया है। तो ये जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन।